हाय एवरीवन, आप सब कैसे आए? होप यू आर फाइन। मैं हूं अंजलि, ब्लॉगर जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूं हींग का अचार बनाने की रेसिपी। ये देखिए, आधा किलो कच्चे आम है जिसे अच्छे से मैंने धो लिया है और बढ़िया से इसे पोंछ लेंगे इस तरीके से, ऊपर पानी ना रहे इसके। हींग का अचार बहुत बढ़िया होता है, बिना तेल का होता है, बिना किसी मसाले का होता है खास, बहुत ही बढ़िया हेल्दी है और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं पूरे साल के लिए। तो मैं बहुत ही थोड़ा सा बना रही हूँ, सिर्फ आधा किलो आम है ये, और इसको इस तरीके से ना पील कर लेंगे। देखिए, सारे छिक्कल इसके हटा देंगे, बहुत ज़्यादा मोटा छिक्कल नहीं हटाएंगे, जस्ट एक ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है ये हट जाए बस, और इसको जो है हम पीसेस में कट कर लेंगे बढ़िया करके। अब पीसेस आप कैसे भी कट कर सकते हो, तो जैसे आपको पसंद हो। तो मैं तो बिल्कुल इसे लंबी लंबी फाड़ियों में काट लेती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से छिक्कल हटा देंगे इसका। ये वाला अचार आप उस आम का भी डाल सकते हैं जिसमें जाली नहीं पड़ी होती, जिसमें गुठली पकी भी नहीं होती ना, जाली नहीं पड़ी होती, उस आम का भी डाल सकते हैं। तो ये तो इसमें तो गुठली पड़ चुकी है इस आम में, तो मैं इसका डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, एक दो साल तक, तो आप इसी वाली आम का डालना जिसमें ये गुठली पड़ जाती है, इस तरीके से उसी आम का डालना, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक रुक जाता है। इस तरीके से सारे मैंने ना इसकी गूदा जो है गुठली पे से हटा लिया है, देखिए, और जो भी गूदा हमारा है बिल्कुल अच्छे से हटा लीजिए और इस तरीके से गुठली को निकाल देंगे और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, ऐसे लंबे पीस कर लीजिए, चाहे ऐसे दो कट करके कर लीजिए। तो मैंने सारे आम इस तरीके से कट कर लिए। इसमें मिलाया है 2 चम्मच नमक, और ये सारी कटिंग मैंने रात को ही करके रख दी थी, तो रात को ही मैंने सब काट के रख दिया था। और उसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें नमक मिलाकर इसको ढक के ऐसे ही रख दिया पूरी रात के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, नमक लगाने से जो ये आम भी है ना, पानी छोड़ देगी। ये देखिए, इस तरीके से पानी छोड़ दिया है, ये अगले दिन की सुबह की फुटेज है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से पानी निकल आया है इसमें से। तो जितना पानी निकले उसे इस तरीके से पहले निकाल लीजिए, और उसके बाद इसे निचोड़ निचोड़ के, हमें अच्छे से निचोड़ के जितना भी पानी इसमें से निकल जाता है उसको निकाल कर इसे एक थाली में या एक कॉटन के कपड़े पर आप धूप में इसे फैला दीजिए। और इसको कम से कम, आप बहुत कड़क धूप है तो 4-5 घंटे की, मतलब एक दिन की धूप लगा दो, 4-5 घंटे की लगा दो। और अगर कड़क धूप नहीं है, नहीं आती, तो थोड़ी बहुत धूप आती है अगर, तो 1-2 घंटे की धूप लगा दो, फिर पंखे में डाल दो, ठीक है, रात भर के लिए। तो इस तरीके से इसको हमें सुखाना है बहुत ज़्यादा। अगर आपको स्टोर करना है इसे, तो आप इसे ज़्यादा सुखा लो, ठीक है, बिल्कुल एकदम। और अगर जैसे ये तो थोड़ा सा ही अचार बना रही हूँ मैं तो फटाफट इसे ख़त्म कर देंगे। देखिए, इसमें ये पानी निकल आया है निचोड़ने से, और इसको इस तरीके से मैं स्टोर करके रखूँगी। इस पानी को फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको मैं सुखाने के लिए रखा हूँ धूप में, तो मैंने हल्की धूप में ही सुखाया है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं लगी है, 2-4 घंटे की ही लगी है। 2-4 घंटे भी नहीं कहो कि मैंने इसे पंखे में डाल दिया था, उसके बाद थोड़ी देर बालकनी पर सुखाया, उसके बाद इसे पंखे में डाल दिया रात भर। तो यहाँ पर इस पानी में 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और 2 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर घर का पिसा हुआ है साफ, और 2 चम्मच यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। हींग का अचार है तो हींग बढ़िया से जाएगी अच्छे से। पहले इस पानी में हम ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मिला लेंगे, ठीक है, क्योंकि नमक पहले भी था पानी में, हमने 2 चम्मच नमक डाल के रखा हुआ था, तो नमक सिर्फ 1/2 चम्मच डाला है, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे ये मैंने पीसेस अच्छे से इसमें मिला दिए हैं, और इसको इस तरीके से बढ़िया से कोट कर देंगे। देखिए, सारे मसाले में, मिर्च में, हींग में अच्छे से लग जाना चाहिए, और फिर एक साफ़ सुथरे सूखे जार में, कांच के जार में मैं इसे स्टोर कर रही हूँ। इस तरीके से भर लीजिए इसको, और भर के इसे रख लीजिए, और इसको जो है 1-2 दिन तक धूप में रख सकते हैं, तो ये अचार खाने लायक हो जाएगा। और अगर आप इसे धूप में नहीं रख पा रहे हैं, तो 2-4-5 दिन में अचार खाने लायक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे दबा दीजिए, थोड़ा सा जो भी इसमें जो जूस है ना, जो भी पानी है मैंगो का, उसमें ये अच्छे से दब जाए इस तरीके से इसे। और 1-2 दिन में ना इसको इस तरीके से उलट पलट कर देना थोड़ा सा जार को, तो देखिए इस तरीके से आप ऐसे करके इसे, ताकि जो भी इसमें रसा है, जो भी इसमें मैंगो का पानी है,
वो अच्छे से सारे अचार में लगता है, क्योंकि हमें इसमें तेल वगैरह नहीं डाला है, ये ऐसे ही स्टोर होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि पानी के हाथ नहीं लगने चाहिए, जार बिल्कुल सूखा साफ़ होना चाहिए, और जब निकालें अचार को तो साफ़ चम्मच से निकालें, तो ये अचार बहुत बढ़िया चलता है। और उसके बाद ये इतना बढ़िया चलता है कि ये बिल्कुल ही बिना ऑयल के है। तो बनाइएगा ज़रूर, अगर रेसिपी पसंद आए शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अचार बनाइएगा ज़रूर, बहुत बढ़िया लगता है ये, पूरी के साथ, पराठे के साथ, मठरी के साथ बहुत अच्छा लगता है, दाल में भी डाल सकते हो आप इस अचार को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।